ओके अगेन लेट्स से दिस नाइन्थ क्वेश्चन टेंथ क्वेश्चन एलेवेंथ क्वेश्चन ठीक है तो अब आता है क्वेश्चन नाइन विज वाई इज इक्व टू एक्स बाई टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू एल एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसको डिफ्रेंशिएट करना ठीक है <coughs> तो एक हमने पहले बोला था कि एक तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ऐसे याद रख लिया x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये ठीक है और दूसरा एल एन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन भी याद रख लिया विच इज़ वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ठीक है कहाँ से आ गया तो जैसे अगर मैं एल एन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को डिफेंशिएट करूँ ये कहाँ से गया ये तो अभी हमने बताया लॉग को अगर डिफेंशिएट करें तो कितना आएगा वन अपॉन आर्गुमेंट आर्ग्यूमेंट विच इज़ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ठीक है argument, चेन रूल से फिर अंदर आए तो x का डिफेंशिएशन वन और एक्स एक्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूट का डिफिनीशन इसी की तरह हो जाएगा एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब एलसीएम लो तो न्यूमरेटर में भी यही टर्म जनरेट हो जाएगा तो वो तो कैंसिल हो गया बस केवल ये डिनोमिनेटर वाला टर्म बचा तो ये आ गया ठीक है कहने का मतलब क्या है कि मैथमेटिक्स में बाकी जगह भी आता रहेगा तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद कर लोगे तो अच्छा है ठीक है यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो यहाँ पे ही माइनस हो जाएगा ठीक है अब इस पे आगे जो हमें डिफ्रेंशिएट करना है विच इज वाई इज इक्व टू एक्स बाई टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू एल एन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये आ गया किया डिफ्रेंशिएट डी डी एक्स तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू इस टू मतलब हाफ को तो बाहर छोड़ दिया ऐसे लिखा है एक्स इंटू दिस तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कैसे आएगा एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से वन और सेकेंड फंक्शन जो है उसको ऐसे लिखा रहने दिया ठीक है फिर प्लस एक्स एज इट इज और इसको डिफ्रेंशिएट किया इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो अभी हमने बोला था कि वो ऐसे याद रखा ठीक है हो गया पहला टर्म माइनस ए स्क्वायर बाई टू ये भी हमने अभी ऊपर डिफ्रेंशियट किया एलन एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव कितना आएगा अल्टीमेटली वन अपॉन ये एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस आ जाएगा ए स्क्वायर के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा तो अगर इस लॉग वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट किया तो इसके डिफ्रेंशिएशन से ये आ रहा है वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये बस अब सिंपलीफाई कर लिया पहला टर्म कितना हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू दूसरा टर्म हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तीसरा टर्म हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ठीक है दिस इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू प्लस इन दोनों को मिलाया तो न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ये तो ऐसे टी अपॉन रूट टी तो अगर इसको ऐसे कैंसिल किया तो रूट टी आ जाएगा विच इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू तो हाफ और हाफ को जोड़ा तो कितना हो गया एक तो so, आंसर इतना सा गया ठीक है सो दिस वन नाइन्थ, टेंथ लिख लिया टेन से वाईज इक्वस टू एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ बाहर छोड़ दिया इस एक्स का डेरिवेटिव वन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज फिर प्लस एक्स एज इज इसका डेरिवेटिव अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तब तो आता एक्स अपॉन ए वाला टर्म अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा ठीक है या गया बस प्लस ए स्क्वायर बाई टू इन टू साइन का डेरिवेटिव कितना होता है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर तो यहां पे x के साथ क्या लिखा हुआ है x की जगह ये लिखा हुआ है तो ये हो गया इन टू क्योंकि एक्स तो लिखा नहीं है एक्स अपॉन ए लिखा है तो चेन रूल से पहले हमने साइनवर्स को डिफरेंशिएट किया ये वाला टर्म आ गया फिर अब हम अंदर जाके एक्स अपॉन ए को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव तो वन हो गया तो यहाँ वन अपॉन ए रह गया ठीक है सो दिस इज इक्व टू ये फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई फिर ये सेकेंड टर्म कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म क्या हो गया ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन अगर इसमें हमने एल सी एम लिया तो रूट के अंदर कितना रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर एक डिनोमीटर में ए स्क्वायर भी आएगा इसके डिनोमिनेटर में ये ठीक है इसके डिनोमिनेटर में एक ए स्क्वायर भी आएगा उसको रूट के बाहर निकाला वो ए हो गया वो ए और ये वाला ए कैंसिल हो गया तो इसलिए ए स्क्वायर एज इट इज लिखा हुआ है और एक टू और आ गया ठीक है ये आ गया आंसर अब दिस इज इक्व टू फर्स्ट टर्म एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इन दोनों में क्या है डिनोमिनेटर सेम है तो प्लस अगर कॉमन लिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो पहले ये प्लस का ए लिख लिया फिर ये माइनस का एक्स लिख लिया तो माइनस फिर वो याद गया टी अपॉन रूट टी तो याद आएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू विच इज नथिंग बट रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर याद ठीक है सो दिस वॉज टेंथ क्वेश्चन नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर इलेवन ई रेस्ट बार एक्स साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ठीक है तो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है ये वेरिएबल का टर्म है ये वैरिएबल का टर्म है ये वेरिएबल का टर्म है ठीक है।, है तो किया डिफ्रेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ठीक है तो इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं फर्स्ट फंक्शन इन टू ये सेकेंड फंक्शन है <coughs> तो हमने क्या किया पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन तो ई रेस्ट पर ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेस्ट पर एक्स इन टू फिर ये तो ई e की वजह से आ गया फिर ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा ए तो ये तो आ गया फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन साइन को मान लिया ऐसे लिख लिया माइनस बी टाइम्स कॉस बी एक्स सेकेंड फंक्शन एज इट इज ठीक है फिर प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकेंड को डिफ्रेंशिएट किया तो आ जाएगा ए साइन बी एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा कॉस बी एक्स इंटू बी फिर इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा माइनस बी कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन तो माइनस प्लस हो गया साइन बी एक्स इंटू फिर एक और बी ये ब्रैकेट बंद कर दिया इसे ठीक है ये आ गया तो अब क्या करें इसमें से इस पूरे में से क्या होगा ई रेस्ट पर एक्स तो कॉमन निकल आ गया पूरे में से तो वो तो ये आ गया यह रेस्ट पर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब देखा ये फर्स्ट टर्म कितना हो गया ए स्क्वायर साइन बी एक्स फिर माइनस ए बी कॉस बी एक्स फिर यहां से प्लस ए बी कॉस बी एक्स फिर प्लस ये कितना हो गया बी स्क्वायर साइन बी एक्स ये बना तो इसमें ये टर्म तो कैंसिल हो गया इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा जैसे ई रेस्ट पर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन बी एक्स अगर कॉमन लिया तो कितना बचा वापस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये और ये कैंसिल तो अल्टीमेटली आंसर कितना बचा है ई रेस्ट वाले एक्स इन टू साइन पी एक्स ये आंसर आप ठीक है दिस द आंसर ठीक है